बेकरी स्टाइल में बनने वाली चिकन ब्रेड की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। चिकन ब्रेड अब आप घर में आसानी से बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट और मज़ेदार चिकन ब्रेड बनकर तैयार हो चुकी है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको नीम गर्म पानी लेना होगा, हाफ कप जितना। एक टेबल स्पून इसमें चीनी डाल दें यानी कि शुगर। एक टेबल स्पून इसमें इंस्टेंट यीस्ट ऐड करनी होगी जिसे खमीर बोलते हैं। अब इन चीज़ों को आपस में मिक्स करने के बाद इसे आप 10 मिनट के लिए कवर कर दें। इसे कवर करने से ये होगा कि आपको पता चलेगा कि खमीर एक्टिव हो रहा है कि नहीं। एक मैंने दूसरा बाउल लिया है, 1.5 कप जितना मैं इसमें मैदा डाल दूंगी यानी कि ऑल पर्पज़ फ्लोर। मैदा डालने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल दूंगी, 1 टीस्पून जितना। इसे आप अच्छी तरीके से मिक्स कर दें। खमीर को रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं, ये मैं इसमें डाल दूंगी। ये ब्रेड बिल्कुल बेकरी स्टाइल जैसी बनकर तैयार होगी। अब मैंने थोड़ा सा नीम गर्म दूध लिया है, इसे एक बाउल में ऐड कर दूंगी। एक अदद इसमें आपको अंडा डालना होगा। इन दोनों चीज़ों को आपस में मिक्स कर दें। इससे ये होगा कि अंडा इसमें अच्छी तरीके से हल हो जाता है। अब ये भी मैं इसी मैदे वाले मिक्सचर में डाल दूंगी। बिल्कुल परफेक्ट और मज़ेदार ब्रेड की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब आप इसे मिक्स कर परफेक्ट जैसे घर में हम आटा गूंथते हैं इस तरह इसकी डो बना दें। अगर आपको ये थोड़ा सा हार्ड लगे तो थोड़ा आप इसमें पानी डाल सकते हैं। अब इसमें 2 से 3 टेबल स्पून जितना ऑयल डालना होगा ताकि ब्रेड जो है वो सॉफ्ट बनकर तैयार हो। ऑयल डालने के बाद 5 मिनट तक लगातार आपको इस आटे को गूंदना होगा ताकि परफेक्ट और अच्छी तरीके से ब्रेड बनकर तैयार हो जाए। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार होगी, तो आप इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। 5 से 10 मिनट तक लगातार मैंने इसे गूंदा है। अब इसका एक पेड़ा बनाकर आप एक बाउल में इसे डाल दें और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाने के बाद इसे आप कवर कर दें। 1 घंटे के लिए इसे किसी गर्म जगह पर रख दें ताकि खमीर जो है वो एक्टिव हो जाए और ये साइज़ में डबल हो जाए। जब गर्मी का मौसम होता है तो ये 1/2 घंटे से कम टाइम में राइज हो जाती है। अब मैं इसे एक साइड पे रख दूंगी, जब तक मैं इसकी स्टफिंग बना लेती हूँ। तो स्टफिंग बनाने के लिए आपको पैन में थोड़ा सा ऑयल डालना होगा। जैसे ऑयल गर्म हो जाए एक छोटा सा बारीक कटा हुआ प्याज मैं इसमें डाल दूंगी। प्याज को 2 से 3 सेकेंड तक इसमें पकाना होगा। अब मैं इसमें बॉयल की हुई चिकन डाल दूंगी जिसको मैंने रेशा रेशा कर दिया है। थोड़ा सा इसमें कैप्सिकम डाल दूंगी यानी कि शिमला मिर्च। बिल्कुल बारीक कटी हुई चीज़ें आपको इसमें इस्तेमाल करनी होगी। अब इसे मिक्स करने के बाद 1 टीस्पून या इससे ज़्यादा ज़रूरत इसमें नमक डाल दें। 1 टीस्पून मैं इसमें चिली फ्लेक्स डाल दूंगी। थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर इसमें डालना होगा। 1/2 टीस्पून जितना मैं इसमें विनीगर डाल दूंगी और 1 टेबल स्पून जितना इसमें सोया सॉस डालना होगा। अब इन तमाम स्पाइसेस को अच्छी तरीके से आप मिक्स कर दें। 2 से 3 मिनट तक आपको इसको मिक्स करना होगा। जैसे ये मिक्स हो जाएगा तब इसमें 1 टेबल स्पून जितना मैदा डालना होगा यानी कि ऑल पर्पज़ फ्लोर। मैदा डालने के बाद इसको आप मिक्स कर दें। ये जो मिक्सचर है क्रीमी और मज़ेदार बनकर तैयार होगा। अब मैं इसमें 1/2 कप जितना मिल्क डाल दूंगी। जब भी आप ब्रेड बनाएं तो इसमें इस तरह की स्टफिंग डाला करें, क्योंकि इससे जो आपकी ब्रेड की स्टफिंग है वो मज़ेदार बनकर तैयार होगी। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना होगा। 2 से 3 मिनट तक जब आप इसे मिक्स करेंगे तो ये थिक हो जाएगी। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी यह स्टफिंग बनकर तैयार हो जाएगी। इस तरह की और ज़्यादा मज़ेदार रेसिपीज़ मेरे पेज पे मौजूद है। अब ये अच्छी तरीके से बनकर तैयार हो चुकी है। इसे मैं एक साइड पे रख दूँगी ताकि ये ठंडी हो जाए। और आटे को रखे हुए 1 घंटा हो चुका है। आप देख सकते हैं परफेक्ट और अच्छी तरीके से यह राइज हो चुका है आटा। अब इसका कवर मैं हटा दूँगी, आप इसे पंच करें ताकि इसकी एक्स्ट्रा एयर जो है वो निकल आए। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसे आप काउंटर पर रख दें। थोड़ा सा मैदा डस्ट करने के बाद इसको काउंटर पर रखना होगा और इसे रोटी की शक्ल में आपको बेलना होगा। बेलन की मदद से आप इसे गोल शेप में बेल दें। ब्रेड जो है वो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। अब आप बेकरी स्टाइल जैसी ब्रेड घर में आसानी से बना सकते हैं। जब ये गोल शेप में अच्छी तरीके से बड़ी हो जाए तब इसकी कटिंग का मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आपको इसकी कटिंग करनी है, क्योंकि अगर आप इसकी परफेक्ट कटिंग करेंगे तो इस तरह आपकी ब्रेड जो है वह बनकर तैयार हो जाएगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो मेरे पेज को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें। इस तरह की आपको इसकी थिकनेस रखनी होगी। अब मैंने एक बड़ी सी छुरी ली है, अगर आप चाहें तो स्केल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कटिंग आपको इस तरह करनी होगी। दोनों तरफ से आपको इक्वल कटिंग करने के बाद अब आपको इसकी एक्स्ट्रा जो ब्रेड है इसे आप एक साइड पे रख दें। इसकी और रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब आपको इसको बीच से 2 हिस्सों में कट करना होगा। मैं इसमें पिज़्ज़ा कटर का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि परफेक्ट और अच्छी तरीके से कटिंग हो। अब इसको बीच से 2 हिस्सों में कट करना होगा। अब आपको
इसको इस तरह कटिंग करनी होगी जिस तरह मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि परफेक्ट और अच्छी तरीके से आपकी ब्रेड जो है वो बनकर तैयार हो जाएगी। अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर नहीं है तो आप छुरी की मदद से भी इसे कट कर सकते हैं। अब जो मैंने स्टफिंग बनाई थी वो इसके ऊपर रख दूँगी। स्टफिंग रखने के बाद आप इसे फोल्ड करें, सिंपल और आसान तरीके से ये फोल्ड हो जाएगा और परफेक्ट आपकी डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाएगी। जब आप इसे फोल्ड करेंगे तब आप इसका लुक देखिएगा कि कितनी अच्छी तरीके से बेकरी स्टाइल जैसी इसकी डिज़ाइन बनकर तैयार हो गई है। इस तरह तमाम चिकन की स्टफिंग रखने के बाद मैं इसे फोल्ड कर कर एक साइड पर रख दी जाऊँगी। ये जो ब्रेड है ये सॉफ्ट और मज़ेदार बनकर तैयार होगी। बेकरी स्टाइल जैसे आइटम अब आप घर में आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि इस तरह की परफेक्ट और मज़ेदार रेसिपीज़ मेरे पेज पे मौजूद है। अब मैंने एक ट्रे लिया है जिसपे मैंने बटर पेपर लगा दिया है। तमाम ब्रेड के स्लाइस मैं इसके ऊपर रखती जाऊँगी। जब भी आप ब्रेड ट्रे पर रखें तो थोड़े से फासले पर रखें, क्योंकि ये राइस होने के बाद इसकी साइज़ जो है वो डबल हो जाती है। अब मैंने एक अंडा लिया है जिसे मैंने फेंट लिया है। एक ब्रश की मदद से इसके ऊपर मैं अंडा लगाती जाऊंगी। इससे जब ब्रेड राइज हो जाएगी तो इसका कलर जो है वो अच्छा आएगा। तमाम ब्रेड पे इस तरह आपको अंडा वॉश करना होगा। अब थोड़े से मैंने करौंजी ली है, ये इसके ऊपर लगा दूंगी। इससे इसका जो टेस्ट है वो भी अच्छा आएगा और लुकवाइज भी अच्छे लगेंगे। अब मैंने थोड़े से शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज लिए हैं, वो मैं इसके ऊपर गार्निश के लिए लगा दूंगी। तमाम वेजिटेबल्स की कटिंग आपको इस तरह करनी होगी। एक मैंने ऑरेंज कलर का शिमला मिर्च लिया है, वो भी इसके ऊपर लगा दूंगी। अगर आप चाहें तो किसी और वेजिटेबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेकरी में इसी तरह से ये परफेक्ट बनकर तैयार होती है। अब मैं इसे ओवन में बेक करूंगी 35 मिनट्स के लिए 150 के टेम्परेचर पर। ब्रेड जो है वो अच्छी तरीके से राइस हो चुकी है। इसका लुक आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट और मज़ेदार ये ब्रेड बनकर तैयार हो चुकी है। अब मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ ताकि इसका फाइनल लुक आपको दिखा सकूँ। ऊपर से सॉफ्ट और अंदर से क्रीमी मज़ेदार इसका मिक्सचर बना है। परफेक्ट और मज़ेदार ब्रेड बनकर तैयार हो गई है। अब आप इसे केचप या किसी और चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। जो इसका आटा साइड से बच गया था तो उसकी मैंने एक दूसरी रेसिपी बनाई थी। फिश में आप ब्रेड आसानी से बना सकते हैं, तो इसको आपको पहले रोटी की शक्ल में बेलना होगा। अब आप बेलन की मदद से इसे सीधी तरीके से बेल दें जिस तरह मैं बेल रही हूँ। कोई भी चीज़ आप वेस्ट ना करें, क्योंकि इससे भी परफेक्ट आपकी ब्रेड बन सकती है। जो स्टफिंग मैंने बचा के रखी थी वो इसके ऊपर मैं अप्लाई कर दूंगी। स्टफिंग लगाने के बाद पिज़्ज़ा कटर की मदद से मैं तमाम इसकी साइड कट कर दूंगी, क्योंकि मैं इसे फिश शेप में बना रही हूँ। और जो वेजिटेबल्स बचे थे वो भी मैं इसके ऊपर लगा दूंगी। छोटी छोटी चीज़ों से परफेक्ट और मज़ेदार रेसिपीज आप घर में आसानी से बना सकते हैं। इसको फिश शेप में कटिंग करने कि यही डिज़ाइन है, आप आसानी से इसे कट कर सकते हैं। तमाम ब्रेड को फिश स्टाइल में कट करने के बाद इसे आप फोल्ड करते जाएं। जिस तरह मैं इसे फोल्ड कर रही हूँ बिल्कुल आप इसी तरह फोल्ड करिएगा। तमाम ब्रेड को आप जब फोल्ड करेंगे तो परफेक्ट और अच्छी तरीके से ये फोल्ड होती जाएगी। एक के ऊपर दूसरा आप स्लाइस रखते जाएंगे तो आसानी से ये फोल्ड होती जाएंगी। परफेक्ट और मज़ेदार ब्रेड अब आप घर में आसानी से इसी तरह बना सकते हैं। फिश शेप में आसान तरीके से मैं आपको ब्रेड बनाने की रेसिपी बता रही हूँ। आसानी से ये फोल्ड हो जाती है। अच्छी तरीके से इसे फोल्ड करने के बाद मैं इसे ब्लैक पेपर का लुक दूंगी, क्योंकि आइस इसकी बनानी होती है, तो इससे ये फिश जो है वो परफेक्ट अच्छी तरीके से आपको देखने में लगेगी। इसे भी मैं 150 के टेम्परेचर पर बेक करूँगी 35 मिनट्स के लिए। 5 से 10 मिनट के लिए आप इसे कवर करके छोड़ दें। जब ये कवर करने के बाद इसकी साइज़ जो है वो डबल हो जाती है और परफेक्ट तरीके से ये बेक हो जाती है। 35 मिनट्स के लिए मैं इसे बेक करूंगी और परफेक्ट अच्छी तरीके से ये ब्रेड जो है वो बेक हो जाएगी। अगर आपको बेकरी स्टाइल में बनने वाली ब्रेड की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे पेज को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह की आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। परफेक्ट और मज़ेदार ब्रेड जो है वो बनकर तैयार हो चुकी है। अंदर से ये इसका जो मिक्सचर है वो क्रीमी और मज़ेदार बना है। इस तरह की आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ मैं आपके साथ आगे भी शेयर करती रहूँगी। ये ब्रेड जो है वो परफेक्ट और आसान तरीके से बनकर तैयार हो चुकी है। इस तरह की ज़्यादा मज़ेदार रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।